सोमवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत को निवेश के लिए शानदार जगह बताते हुए दुनिया भर के निवेशकों से देश में आने की अपील की, लेकिन भाषण से ज्यादा उनके बीच में रुक जाने की क्लिप की चर्चा जोर पर है। दावा किया जा रहा है कि उनके भाषण के बीच में ही टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है, जिसके बाद पीएम भी रुक जाते हैं और वो आयोजकों से पूछते हैं कि क्या उन्हें उनकी आवाज आ रही है। क्लास अब ठीक से सुना रहा है और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। इस क्लिप के आने के बाद से टेलीप्रॉम्प्टर की चर्चा हो रही है। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसी डिस्प्ले डिवाइस होती है जो किसी व्यक्ति को स्पीच या स्क्रिप्ट पढ़ने में मदद करती है। दरअसल टेलीप्रॉम्प्टर में एक मॉनिटर लगा होता है। ये मॉनिटर आमतौर पर कैमरे के ठीक नीचे लगा होता है। इस मॉनिटर में टेक्स्ट या शब्द दिखते हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर चलते रहते हैं। स्पीकर या रीडर इन्हीं शब्दों को देखकर स्पीच देता है या स्क्रिप्ट पढ़ता है। अब बात ये है कि ये काम कैसे करता है। तो टेलीप्रॉम्प्टर में डिस्प्ले स्क्रीन स्पीच देने वाले व्यक्ति के सामने और अधिकतर प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के नीचे होती है। खास बात यह है कि टेलीप्रॉम्प्टर को कोई और ऑपरेट कर रहा होता है जो स्पीच देने वाले व्यक्ति के पढ़ने की स्पीड के हिसाब से टेलीप्रॉम्प्टर पर आ रहे शब्दों की स्पीड को कंट्रोल करता है और उन्हें जरूरत के हिसाब से रोकता है या आगे बढ़ाता है। टेलीप्रॉम्प्टर का सबसे पहले इस्तेमाल साल 1948 में अमेरिका में किया गया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति 1952 से ही इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपनी स्पीच देने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की मदद लेते हैं। वैसे ये टेलीप्रॉम्प्टर ह्यूबर्ट शेफलाई की दिमाग की उपज थी, लेकिन समय बीतने और टेक्नोलॉजी के साथ टेलीप्रॉम्प्टर में बदलाव होते रहे। मौजूदा समय में टेलीप्रॉम्प्टर तीन तरह के होते हैं, प्रेसिडेंशियल या कॉन्फ्रेंस टेलीप्रॉम्प्टर, कैमरा माउंटेड टेलीप्रॉम्प्टर और फ्लोर या स्टैंड टेलीप्रॉम्प्टर। हालांकि इन तीनों का काम एक ही होता है, बस इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है। तो अभी जो मैंने बिना रुके फैक्ट के साथ जो बातें आपसे इस वीडियो में कही हैं, वो सब टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए ही पढ़ी गई हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।